In this video, I am going to talk about a normal distribution. A normal distribution is also called bell-shaped distribution. Reason being, it is called normal distribution because its mean, median and mode are all equal. हमने जब probability की हम बात कर रहे थे तो हमने symmetric graph की बात की थी, symmetric curve की बात की थी जिसका mean, median, mode equal होता था. तो normal में भी हमारे पास there is a graph. If it is normal, its mean, median and mode are equal. 50% data lies left to the median and 50% on the right. Data agar symmetrical hai, is tarah agar symmetrical hai, so 50% data lies on the left and 50% data is lying on the right because its mean is absolutely in the middle. So total area under the curve is 100% or 1. Area under the curve is 100%, matlab sare ka sara data is under the curve or 1 is the probability. Range of normal distribution is from minus infinity to plus infinity. Graph जो है हमारा minus infinity से शुरू होके plus infinity तक जाता है. Shape of curve depends on mean and variance. दो factors हैं जो determine करते हैं कि कैसा curve बनेगा. अगर mean exactly in the middle of the data है, बिल्कुल middle of the data हमारा mean है, तो हमारा जो graph है वो symmetrical बनेगा. अगर मीन थोड़ा आगे या पीछे है तो हमारा एसिमेट्रिकल डेटा बनेगा. दूसरी बात कि वेरिएंस, वेरिएंस जो है वो डिटरमाइंस कि हमारे ग्राफ की शेप कैसे बनेगी, कि ये हायर जाएगी या इधर लोअर रहेगी. वेरिएंस अगर इंक्रीज करती जाएगी तो डेटा टुवर्ड्स द एक्सिस मूव करता जाएगा. सो इसकी 10 है वेरिएंस, इसकी 20, इसकी 30. सो वेरिएंस डिटरमाइंस कि हमारा ग्राफ की शेप किस तरह की बनेगी. मीन जो है वो डिटरमिन करता है कि हमारा ग्राफ सिमेट्रिकल होगा एसिमेट्रिकल होगा. सेकेंडली प्रोबेबिलिटी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो है जिसे हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं दैट इज दिस, ये जो फार्मूला है ये हम इधर यूज नहीं करेंगे और हम सिर्फ यहाँ पे टेबल से फाइंड आउट करेंगे. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कैलकुलेटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाया टेबल. अच्छा, एक और रेंज मैंने कहा कि ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज, तो वो यही बात लिखी हुई है कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी. इसकी यही बात लिखी हुई है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है. अब हमने अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है तो हमें z का फैक्टर चाहिए, z की ज़रूरत है. अब बेशक हमारे पास x गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन हमें फिर भी z फाइंड करना पड़ेगा. तो z किस तरह फाइंड करते हैं कि x गिवन होगा हमें, म्यू गिवन होगा, साथ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा गिवन होगा. तो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो या जिसको हम सिग्मा कहते हैं या सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरियंस गिवन हो उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ मीन गिवन हो, तो हमें साथ x गिवन हो तो हम z इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस में हमें z गिवन होगा, कुछ क्वेश्चंस में हमें x गिवन होगा, तो दोनों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें सिर्फ z की इधर ज़रूरत है, z की हमें वैल्यू चाहिए, उससे हम डायरेक्टली टेबल से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. हम एग्जांपल के थ्रू भी इसे देखते हैं. इफ़ वी हैव x वी विल नीड टू फाइंड z बिफोर यूजिंग द नॉट ग्राफ टेबल. z फॉर एग्जांपल हमारी z की वैल्यू आई है 2.58, तो हमने इसको टेबल में कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूँ कि हम चेक करेंगे 2.5 को इन द कॉलम एंड 0.08 इन द रो. ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ज़ीरो से पहले की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे ज़ीरो के बाद की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. ये टेबल डी है इन द बुक और अब हमारे पास वैल्यू क्या आई है जी की 2.58. ये लिखा हुआ है कि सिर्फ जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे 2.58. उसने कहा कि 2.5 को कॉलम में चेक करो, पॉजिटिव 2.5 है तो इसको हम 2.5 को कॉलम में चेक करते हैं. ये 2.5 है, 2.5 को कॉलम में चेक कर लिया और रो में चेक करना है 0.08. ये बिल्कुल 8 वाला जो है सेकेंड डेसिमल 0.08, ये 0.08 आ गया. इसको हम ट्रेस करेंगे इधर अगर तो 0.9951, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकल आएगी दैट इज 0.9951. तो इस तरह हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है गिवन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बताता हूँ कि किसको कहते हैं. फाइंड द एरिया अंडर द कर्व गिवन, ये सिचुएशन गिवन है जी इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जी इज इक्वल्स टू टू. मतलब वो कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और टू तक जा रहा है. पहली बात, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं जिसका म्यू इक्वल्स टू जीरो एंड सिग्मा इक्वल्स टू वन.
स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू वन, ये हमारे पास गिवन है, मतलब जनरल है ये. सो प्रोबेबिलिटी वो कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक फाइंड करो. सो माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन इक्वल लेस देन जी इज लेस देन टू, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें, हम ये अगर ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे ये क्वेश्चन. तो हमने क्या कहा कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास वैल्यूज होती हैं, और उसके बाद वो कह रहा है कि अच्छा जीरो विल लाई इन द एब्सोल्यूट सेंटर. ठीक है, अगर हम सपोज करें कि सिमेट्रिकल ग्राफ है, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और जीरो इन द सेंटर. वो कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक फाइंड करो, माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक. हम सपोज करते हैं कि टू पॉजिटिव है ना, तो वो इस साइड पर आएगा, जीरो के राइट साइड पर आएगा. तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ तक टू की वैल्यू आ जाती है. तो वो कह रहा है कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक का, ये फाइंड आउट करो. हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हम माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. टू मीन्स 2.00, और अब इस 2.00 को ना हम चेक करेंगे इन द टेबल. ये यहाँ पे उसने सिर्फ 2 कहा है ना, लेकिन 2 का मतलब होता है 2.00. तो हम 2.00 को चेक करेंगे टेबल में. 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली साइड पे चेक करेंगे. दिस इज 2 और 0.00 की वैल्यू साथ. 2.0 यहाँ पे चेक कर लिया, और सेकंड डेसिमल वाला 0 यहाँ पे देख लिया, 0.9772. सो प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 0.9772. इस तरह हमने फाइंड कर लेना इसको. एक और बात बताऊं कि इक्वालिटी का साइन जो है ना वो मैटर नहीं करता, कि इक्वल है या लेस देन है, दिस डज नॉट मैटर. हमें बस माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक की वैल्यू फाइंड करनी है. तो मतलब हम 2.0 को देखेंगे कॉलम में और जीरो को देख लेंगे इन द रो. दैट्स इट. सेकंड केस वो क्या कहता है, सेकंड केस वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट जी लाइज बिटवीन -2.55 टू +2.55. ग्राफ बनाया हमने, देखा कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी और जीरो बिल्कुल एब्सोल्यूट सेंटर में है. और वो कह रहा है कि -2.55 से लेके +2.55 तक कैलकुलेट करना, -2.55 से +2.55 तक. अब हम डायरेक्टली इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है ना -2.55 से +2.5, वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होगा. इनडायरेक्टली कैसे हम करते हैं कि अगर हम देखें कि +2.55 का माइनस इन्फिनिटी से +2.55 जो बड़ा फैक्टर है, जो बड़ा एरिया है, उसमें से हम छोटे एरिया को माइनस इन्फिनिटी से -2.55 तक जो है इस एरिया को माइनस कर दें, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा. मतलब जो बड़ा एरिया था उसमें से इस छोटे एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला ग्राफ आ जाएगा. तो एग्जैक्टली ये वैल्यू आ जाएगी -2.55 से +2.55. वही एग्जैक्टली काम हमने यहीं पे करना है कि वो कह रहा है कि -2.55 इज लेस देन जी इज लेस देन +2.55. हमने इस तरह अंदाज़ा लगाया कि कौन सी वैल्यू कैलकुलेट होगी हमारे पास. उसके बाद इस ग्राफ को ये समझने के लिए इसका मतलब ये है कि हम जो बड़ी वैल्यू है +2.55 को हम इन्फिनिटी से देखेंगे, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू +2.55 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू -2.55. ये बड़ी है ना वैल्यू, ये वाली वैल्यू है दिस वन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू +2.55, उसमें से माइनस करेंगे छोटी वाली वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी टू -2.55, और हमारे पास आ जाएगा आंसर में ये वाला एरिया. तो 2.55 को कैसे देखेंगे, सिंपल इजी, पॉजिटिव में है तो 2.5 को इधर देखेंगे 2.5, और 0.05 ये 5 है ना, तो इस 0.05 को हम कैसे देखेंगे, ये आ जाएगा 0.9946. यस 0.9946. दूसरा वो कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -2.55, तो हमने -2.55 का देखना है ना, तो -2.55 माइनस में आएगा, -2.5 ये आ गया, और इसमें से भी 0.05 का देखेंगे फैक्टर, तो 0.0054. तो हम किस तरह देख रहे हैं कि हम जब ग्राफ को हम देखते हैं, जब हम टेबल को हमने वैल्यूज़ देखनी है, तो हमने उसको माइनस इन्फिनिटी से देखना है. हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि हम -2.55 से +2.55 की वैल्यू देख लें, हम उसको हमेशा माइनस इन्फिनिटी से कैलकुलेट करेंगे. ये है ना, इसको हम माइनस इन्फिनिटी के साथ रिलेट करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से जो बड़ी वैल्यू है वो देख लेंगे एक दफ़ा, फिर माइनस इन्फिनिटी से जो छोटी वैल्यू वो देख लेंगे, उनको माइनस कर देंगे. इस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एरिया अंडर द कर्व आ जाएगी.
अगर हम देखना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.71। अब ये तो हमें लेस देन का बताता है क्योंकि ग्राफ जो है, टेबल जो है वो क्यूमुलेटिव है, ये टेबल क्यूमुलेटिव है, हमें तो लेस देन की वैल्यूज़ बता रही है। अगर हम चाहते हैं कि जीरो से पहले की वैल्यूज़ देखना चाहें तो वो लेस देन की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, लेकिन अगर हम ग्रेटर देन की देखना चाहते हैं तो वन में से सिंपली माइनस करेंगे जिस तरह हम पहले करते आए हैं। ग्रेटर देन की हमारे पास किसी भी ग्राफ में, टेबल में कैलकुलेट नहीं हो सकती वैल्यू, तो हम सिंपली वन में से माइनस करेंगे और साइन को चेंज कर देंगे। z इज ग्रेटर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लेस कर देंगे 2.71। अच्छा, ये यही मैंने बात की कि ये इक्वल का साइन हम लगाएं या ना लगाएं वो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हम लगा भी सकते हैं, यहाँ पे हम नहीं भी लगा सकते, इट डज नॉट मैटर इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 2.71। 2.7 को इस तरह देखेंगे कॉलम में 2.7 दिस और वन को 0.9966 और वन में से माइनस करेंगे हमारे पास इसकी आ जाएगी प्रॉबिलिटी। एक और एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाऊं, सो एग्जाम्पल इज ऑन पेज नंबर 128 ऑफ द बुक, एग्जाम्पल 4.7.6 और पार्ट ए है उसका। गिव अ नॉर्मलिटी, गिवन अ नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन विद द मीन, मीन दिया हुआ है, वेरियंस दिया हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हमें जी चाहिए होता है। उसने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है लेकिन हमें क्वेश्चन में हमेशा z चाहिए, तो हम z कैलकुलेट करेंगे। z कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, ये हमें x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम दोनों के लिए z की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास म्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, म्यू मीन इज 90, वेरियंस दी हुई है, सिग्मा स्क्वायर है, वेरियंस इज 729। हमें सिर्फ सिग्मा चाहिए होता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द अंडर रूट ऑफ वेरियंस, वेरियंस का अंडर रूट लेंगे, 729 का अंडर रूट लिया, 729 का अंडर रूट 27 आ गया। अब हम दोनों के लिए z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसी में कैलकुलेट कर ली कि 63x की वैल्यू है ना, तो 63x माइनस म्यू माइनस 90, 63 माइनस 90 डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय 727, 63 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 27 इज लेस देन x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज लेस देन 117 माइनस 117 क्या है, x है हमारे पास, 90 क्या है, म्यू है, और सिग्मा हमारे पास 27 है। तो इधर इसको कैलकुलेट करेंगे, हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ z फॉर द लोअर लिमिट माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू आती है इसकी, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है प्लस 1। तो हम सिंपली ये कैसे, और इसको हम कहते हैं दिस इज z, तो अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई। हम अब z को ग्राफ में देख लेंगे, जब हम z को ग्राफ में देख लेंगे तो वी विल ईजिली फाइंड क्या है, माइनस 1.00 को देखेंगे, अगर माइनस 1 आ रहा है तो मतलब माइनस 1.00, तो माइनस 1 यहाँ पे क्या है, माइनस 1 और 0.00, इसका आती है, इसकी वैल्यू आती है इस 0.0 में देखनी है, दिस इज 0.0 माइनस 1 और इस 1.0 और 0 0.1587 और प्लस 1.00 प्लस 1.00 प्लस 1 किधर है, दिस इज द प्लस 1 प्लस 1.0 देखा और जीरो में देख लिया 0.8413। अब हमने जिस तरह पहले इन्फिनिटी से रिलेट करके देखी थी ना वैल्यूज, इन्फिनिटी से रिलेट करेंगे कि हायर में से लोअर को माइनस करेंगे, इसी तरह इन्फिनिटी से मतलब हायर में से लोअर को माइनस करेंगे, ग्राफ बनाएंगे जो हायर थी और लोअर थी, ये वाला था और हम और ये वाला था, हायर में से लोअर को माइनस करेंगे और हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो 0.8413 माइनस 0.1587 विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस और दिस, दैट्स हाउ वी विल सॉल्व द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।